हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन की एलाइन फ्रॉक बनाऊंगी मैं, जिसके लिए मैंने जो है इसे कलीदार काट लिया है, कटिंग की है इसकी। और मैंने इसको जो है इस तरीके से एलाइन शेप में काटा है और इसकी कटिंग मैंने इस तरह से की है। देखिए, तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है, अम्ब्रेला स्टाइल में मैंने इसकी कटिंग की है। ये देखिए, और इसको जो है मैं थोड़ा सा डिज़ाइन करके बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैं इसे किस तरीके से डिज़ाइन करूंगी। बहुत ही खूबसूरत कलर, और इसका कपड़ा जो है बहुत ही प्यारा सा है और लचकदार कपड़ा है इसका, क्योंकि फ्रॉक्स में ज़्यादातर लचकदार कपड़ा चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने इसमें जो है ये कपड़ा यूज़ किया है। और इसके साथ जो मैं बेल लगाऊंगी वो ये वाली बेल लगाऊंगी, और साथ में अगर चाहिए होगी तो मैं इसमें ये भी यूज़ करूंगी गोल्डन कलर की। तो दोनों को मिक्स करके बनाएंगे, नहीं तो जो है यही कलर जो इसका बॉटम का भी है, तो इसलिए मैं इसके साथ इसे रेड कलर लगाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो और सबसे पहले जो है इसको मैं कलियों को चारों तरफ से, इसकी जो है चार कलियां मैंने काटी हैं तो वो मैं इसमें ज्वाइन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसका नेक बनाऊंगी। नेक बनाने के बाद जो है मैं इसमें जो है आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसकी कलियां जोड़ लूँगी। अब जैसे मैंने इस साइड पर ये इसे जोड़ लिया है कली को, ऐसे ही दूसरी साइड पर भी जोड़ लेती हूँ। तो ये देखें, इस तरीके से जो है मैंने इसको फ्रंट साइड को जोड़ लिया है दोनों कलियों को, और इसी तरीके से बैक साइड पे भी जोड़ूंगी। और अभी मैं इसमें नेक बना लेती हूँ। तो ये देखिए, अब जो है मैं इसको गोट को, इसकी गले की गोट को लगा रही हूँ इस तरीके से जो है। सबसे पहले इसका जो है नेक तैयार कर रही हूँ मैं, और ऐसे जो है ये मेरा नेक तैयार हो गया है। इसके जो है ऊपर से कंधे जोड़ लूंगी और उसके बाद मैं इसमें हल्के से प्रेस करूंगी, और प्रेस करने के बाद हम इसको जो है, तो ये देखिए मैंने इसको जो है गोट वगैरह लगा के, सबसे पहले इसकी कलियां जोड़ के और इसमें गोट लगा के इसे तैयार कर लिया है, और इसको साइड से इधर से खोल दिया है मैंने। तो साइड से मैंने इसलिए खोला है क्योंकि ये जो है बच्ची का नेक है, फ्रॉक है, तो इसे साइड से मैंने इसलिए खोल दिया है क्योंकि इसका नेक मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकती थी। और इसे इस तरीके से मैंने तैयार किया है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से इसको अटैच करूँगी। तो इसको जो है मैं स्लीव्स लगाने से पहले इधर शोल्डर पे से जो है अटैच कर लूँगी इसको, एक सिलाई से हल्का सा यहाँ से इस तरीके से अटैच करने के बाद इसमें स्लीव्स लगाऊंगी, और इधर से ऐसे ही रहेगा, इसमें जो है बटन वगैरह लग जाएंगे। तो इसको जो है नेक को मैंने पूरी तरीके से तैयार कर लिया है, और इसको जो है अभी मैं प्रेस से जमा लेती हूँ। उसके बाद मैं इस पर जो है बेल लगाऊंगी, और ये साइड से मैंने इसे खोल दिया है। तो ये इस तरीके से परफेक्टली तैयार हो गया है। तो ये जो है मैं यहाँ से इस तरीके से इसे लगाऊंगी दोनों कलियों पे, जो मैंने कलियाँ इसकी लगा काटी हैं, और नेक पे भी लगा सकते हैं अगर आपको लगाना है तो। तो इसको जो है मैं इस तरीके से लगाना शुरू करूँगी,
तो देखिए मैं इसको यहाँ से लगाना शुरू करूँगी और ये हमारा इस तरीके से पूरा लगता हुआ आ जाएगा। तो इसमें यहाँ बीच में जोड़ नहीं आएगा इस तरीके से, और ये पीछे तक हम इसको इसी तरह से लगा लेंगे। और अगर हमें जो है खाली फ्रंट पे लगाना होता तो हमें इसे नेक बनाने से पहले लगाना होता है, ताकि वो जो है ना अंदर सिलाई में दब जाए। तो अभी इसको हमें दबाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पीछे तक मैं इसको लेके जाऊंगी और दोनों आगे पीछे की कलियों पे दोनों पे लगाना है। और इस तरीके से देखिए मैंने इस पर जो है दोनों साइड पर, फ्रंट और बैक पर, दोनों पर मैंने इस पर बेल लगा ली है। तो ये देखिए फ़िलहाल जो है मैंने इसको कंप्लीट तैयार तो कर लिया है, लेकिन अभी जो है मैंने इसमें नीचे बेल नहीं लगाई है। तो अभी मैं इसमें बेल और लगा लेती हूँ थोड़ा प्रेस करने के बाद, और फिर आपको दिखाती हूँ मैं इसे कंप्लीट। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अपने फ्रॉक को पूरा तैयार कर लिया है, जिसमें मैंने नीचे भी बेल लगाई है और इसकी कलियों पर भी बेल लगाई है दोनों साइड पर। और इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है, ब्यूटीफुल सी मैंने इसे तैयार कर दिया है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।